हेलो राइडर, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ सिग्मा एंटरप्राइजेज में, जहाँ पे आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ ओकिनावा के स्कूटर्स। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था, तो हम आपको लेके आए आज होसकास के पास एचिनी विलेज में, जहाँ पर आपको ओकिनावा स्कूटर्स पर अच्छी खासे रिजनेबल प्राइस पर स्कूटर मिल जाएंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ फाइव मॉडल में से दो मॉडल जो होंगे वो आपके हाई स्पीड के होंगे, और जो बाकी तीन मॉडल है वो आपके लो स्पीड के मिल जाएंगे। जैसे हमारे सामने खड़े हैं ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आपके से? तो बढ़िया बढ़िया। तो ओम प्रकाश जी जो है वो आपको बताने वाले सारे के सारे स्कूटर्स के बारे में, बिल्कुल ए टू जेड। तो वीडियो के साथ बने रहना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और ओम प्रकाश जी आपको पूरी एक्सप्लेन करेंगे। एक एक फीचर बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सामने आ चुकी है पहले स्कूटर, और ओम प्रकाश जी स्कूटर का नाम बताने वाले थे। ओम प्रकाश जी, क्या नाम है इसका? सर ये हाई स्पीड के अंदर स्कूटर आता है। हाँ जी, इसका नाम है सर आई प्रेस प्लस। ओके, आई प्रेस प्लस, जी सर। ओके, तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं इस स्कूटर के सारे फीचर्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्कूटर का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है, और बहुत ही डैशिंग लुक में आपके सामने खड़े रेड एंड ब्लैक कलर के अंदर, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है। और आप सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें फ्रंट की, जो फ्रंट है उसको बहुत अच्छा लुक लग रहा है, आप देखिए खुद कमाल का है। तो ओम प्रकाश जी हमें आप बताने वाले हैं, सबसे पहले फ्रंट के बारे में बात करते हैं, लाइटिंग के बारे में बात करते हैं। लाइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कभी भी बंदा नाइट में जाता है तो नाइट में उसको लाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें ब्राइटनेस कितनी होगी, क्या डार्कनेस के अंदर ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? सर कर पाएगा, और ब्राइटनेस की काफ़ी बेटर है। ओके जी, तो इसमें आप उसको ऑन करके दिखाएंगे? जी सर, तो इसकी मेन लाइट है। ओके जी, ठीक है। तो एलईडी इसमें लगी हुई है? जी, एलईडी लाइट्स इसके अंदर। और इसमें हमारी दोस्त देख सकते हैं कि इसमें आपको थ्री टाइप्स की लाइट मिल रही है। एक तो लो बीम में करके दिखाइए। तो दोस्तों लो बीम में आपकी ये तो बंद हो गई ना मेरे ख्याल में? ये बंद हो गई। एंड देन इसके बाद ये जलेगी, और इसके आगे ये जलेगी, और इसके अलावा भी एक लाइट और है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ब्राइटनेस आपको मिल जाएगी, जिसमें आप आराम से आपका व्यू बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ऊपर जैसे हम बात करते हैं इसके लुक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ईगल लुक बना हुआ, ईगल की तरह लुक है, और आपके इंडिकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो इंडिकेटर्स आप ऑन करके दिखाएंगे? जी बिल्कुल। ओके, तो दोस्तों इंडिकेटर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और इसमें आपको काफ़ी बढ़िया लुक मिल जाता है। लाइटिंग की तो हमारी बात हो चुकी है, अब बात करते हैं ओम प्रकाश जी से इसके टायर्स की। तो टायर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द व्हीकल्स। तो हम बात करते हैं कि इसमें जो व्हीकल में टायर लगे हैं कितने इंचेस के हैं? सर ये 90x90 प्लस 12mm के सर, और प्लस इसके अंदर जो आगे वाले टायर में आपको अलॉय व्हील मिल जाती है सर। ओके जी सर, और प्लस सर डिस्क मिल जाती है आगे पीछे। ओके, तो दोस्तों इसमें आपको अलॉय व्हील के साथ व्हीकल मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको इसमें ड्यूल डिस्क मिल जाती है। आपके फ्रंट में भी डिस्क मिल जाएगी और आपके बैक में भी डिस्क मिल जाएगा। और अभी तक तो मैंने जितने भी शूट किए उसमें ऐसा कोई भी मेरे को अभी स्कूटर नहीं मिला जिसके अंदर आपको ड्यूल डिस्क मिले, लेकिन इसमें दोनों में आपको ड्यूल डिस्क अवेलेबल है। और प्लस फ्रंट वाले जो टायर है उसके अंदर आपको अलॉय व्हील मिल जाती है। हाँ जी, अलॉय व्हील भी आपको अवेलेबल होता है। तो इसके जो बैक वाले जो टायर होता है उसके अंदर आपको मोटर मिल जाती है। तो मोटर कितने वॉट की है सर? 1000 वॉट की है। 1000? हाँ जी, 1000। ओके, 1000 वॉट की मोटर है, हैवी मोटर है। तो जैसे मोटर इसकी इतनी हैवी है तो इसकी स्पीड कितनी जाती होगी? सर ये टॉप स्पीड जाती है इसकी 60, और टर्बो मोड पे जाती है सर 72। अच्छा, ये टर्बो मोड क्या है? सर टर्बो मोड एक्चुअली क्या है, ये ओवरटेकिंग के पर्पज़ से बना रखा है। ओके, ये स्टैंडली आप जैसे आपको ओवरटेकिंग करनी है किसी कार वगैरह को या व्हीकल को, तो सर वो 1 से 2 मिनट आपका टर्बो मोड पे 72 रहेगा, उसके बाद इंस्टेंटली वो 60 पे आ जाएगा सर। मतलब इंस्टेंट अगर रेस चाहिए दोस्तों आपको, तो उसके लिए टर्बो मोड आपके एक बड़े काम आएगा। जैसे मान लो आपको ओवरटेकिंग कर रहे हैं, अगर आगे वाला बंदा आपको ओवरटेक करने को अलाउ कर रहा है और आपको ओवरटेक करना है,
तो आप टर्बो मोड यूज़ करके आप ओवरटेक कर सकते हैं, आपकी इंस्टेंट स्पीड जो होगी वो 72 पे पहुंच जाएगी और फिर उसके बाद 1 to 2 मिनट के अंदर ये वापस आपकी नॉर्मल स्पीड जितने पे आप रन कर रहे थे उतने पे वापस आ जाएगी, 60 पे आ जाएगी। हाँ जी, तो बाकी दोस्तों ये फीचर बहुत कमाल का है, मोस्ट ऑफ द स्कूटीज़ में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा जबकि इसमें अवेलेबल है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी बैटरी की, क्योंकि देखो कोई भी मोटर जो है वो बैटरी पे चलती है और बैटरी अगर हैवी नहीं हुई तो फिर मोटर किसी काम की नहीं होगी। तो इसमें जो बैटरी है वो कौन सी बैटरी लगी सर? ये बैटरी इसके अंदर लिथियम बैटरी लगी है, प्लस 72 वोल्ट की बैटरी है सर। तो हम देख सकते हैं? जी सर बिल्कुल। सर ये इसका चार्जर है और ये सर ये बैटरी है, ये सर डी अटैचेबल बैटरी है। ओके। प्लस लिथियम बैटरी है, 72 वोल्ट की सर बैटरी है, प्लस 46 AH है सर ये। ये सर डी अटैचेबल है, आप इसको जैसे आप अपार्टमेंट्स वगैरह में सर कभी रहते हैं? हाँ जी हाँ जी। तो अपार्टमेंट्स में क्या है सर, फ्लोर वाइज आदमी रहते हैं सर, तो आप जैसे आपके पास नीचे चार्जिंग की सुविधा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ईजिली कैरी करके थर्ड फ्लोर पर आके चार्ज कर सकते हैं सर इजीली। ओके, तो दोस्तों ये आपको कैरेबल है, आप कहीं पर भी डी अटैच करके इसको ले जा सकते हैं। जैसे मान लो कभी आपकी गाड़ी किसी जगह पर गए, आप ढाबे ढाबे पे रुकते हो तो गाड़ी तो आप वहाँ पे लगा नहीं सकते, तो आप डी अटैच करके बैटरी हटा के आप अपने ढाबे पे किसी या किसी भी ऐसी जगह पे होटल में रुके हैं वहाँ पे आपको बैटरी चार्ज करनी है तो वहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं। और 72 वॉट की बैटरी है तो कितने देर में चार्ज हो जाएगी? सर ये 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाती है। 4 से 5 घंटे में? हाँ जी। और माइलेज कितना देगी सर? ये 150 जी। ओके, तो दोस्तों 150 किलोमीटर पर मतलब आपको माइलेज दे देगी, काफ़ी है। आप मोस्टली ऑफ द जो भी स्कूटी यूज़ करता होगा वो 150 किलोमीटर से अबव तो बहुत ही कम जाते हैं बंदे, और काफ़ी है। अगर आप एक बार चार्ज कर लेते हैं तो इसको आप पूरे दिन इसको रन कर सकते हैं आराम से। जी सर इजीली। हाँ, और बाकी जो इसके जो चार्जर है जी वो यहीं से मिलेगा या कहीं और से? मतलब नहीं सर, स्कूटी के साथ ही है, स्कूटी के साथ आपको मिलेगा चार्जर। तो ये कहीं पे भी अटैच, मतलब ये नॉर्मल स्विच में लग जाएगा? सर नॉर्मल स्विच में लग जाएगा ये। ओके, नॉर्मल स्विच में लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। जी सर इजीली। तो जैसे ओम प्रकाश जी मैंने आपसे पूछा था कि अगर बैटरी या चार्जर कोई ख़राब हो जाता है तो इसका कुछ रिप्लेसमेंट है, कुछ है? जी सर, इसकी रिप्लेसमेंट है, हमें कम से कम 1 वीक का टाइम चाहिए और वर्किंग डेज। अच्छा, 1 वीक चाहिए वर्किंग डेज में आपके लिए? जी बिल्कुल सर, रिप्लेस हो जाएगा। और प्लस सर कंपनी ये कमिट करती है सर, आपका चार्जर हो गया प्लस बैटरी होगी, और चार्जर हो गया सर बैटरी होगी आपकी, इसकी सर कंपनी 3 साल तक की वारंटी देती है। 3 साल तक? हाँ जी। और प्लस 30,000 किलोमीटर तक, 30,000 किलोमीटर या तो आप 1 साल में चला लीजिए या 2 साल में चला लीजिए या 3 साल में चला लीजिए। अच्छा। क्राइटेरिया है जो 30,000 किलोमीटर तक का है उसको आप सब कवर कर सकते हैं 1 साल में या 2 साल में, कंपनी वारंटी देती है 30,000 किलोमीटर तक। 30,000 हो जाए या पहले 3 साल हो जाए? जी सर। है ना? जी सर बिल्कुल। ओके, तो जैसे इसमें अभी आपने बताया कि बैटरी और चार्जर की 3 साल की, तो पूरी स्कूटी की वारंटी कितने साल की है? सर पूरी स्कूटी की 3 साल कंपनी लेती है सर वारंटी, उसके बाद सर अब अगर इनके सबको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारा सर्विस सेंटर अवेलेबल है, यहीं पे है, आप यहीं आ जाइए। ओके, तो ये कहाँ पड़ता है आप बताएंगे थोड़ा सा? सर ये A92 अदिचिनी में पड़ता है सर, नियर बाई मेट्रो स्टेशन हौजखास। हौजखास के पास में? जी सर। ओके, तो दोस्तों हौजखास के पास पड़ता है, बहुत ही आराम से आप वॉकिंग डिस्टेंस है, आप आ सकते हैं आराम से। बाकी आप इसमें MCV देख सकते हैं, अगर आप इनके स्कूटी जो है वो आप कहीं पर जा रहे हैं, आप घर पर नहीं हैं तो आप MCV को ऑफ कर दें, आपकी स्कूटी रन नहीं करेगी या चलेगी नहीं, आपकी बैटरी जो बिल्कुल भी ड्रेन नहीं होगी और ना ही ख़राब होगी। जी सर, बेस्ट होता है ये, जैसे कि आप आपके घर से कहीं जा रहे हो तो अपने घर की MCV गिरा देते हो, वैसे सेम। और सर ये जब भी कभी आप बैटरी डीअटैचेबल करेंगे और रिमूव करेंगे तो सर इसको सॉकेट को ऑफ करके ही करना है, वरना ख़राब हो सकते हैं। जी सर। ओके, तो दोस्तों ये थोड़ा प्रिकॉशन होता है तो ध्यान में रखिए, पहले ऑफ़ करिए फिर उसके बाद बैटरी डीअटैच करिए, बढ़िया रहेगा, आपकी स्कूटी है आप केयर करिए। और फिर हम बात करते हैं इसकी सीट की, तो सीट देख सकते हैं आप, काफ़ी कंफर्ट है इसकी और बड़ी भी है, आप आराम से 2 बंदे आराम से बैठ सकते हो। तो जैसे सीट इसकी इतनी है जी, तो इसमें वेट कितना ये कर सकती है कैरी? सर ये राइडर को छोड़ के 200 kg लिफ्ट कर सकती है सर। राइडर को छोड़ के? जी सर। राइडर मतलब दोस्तों चलाने वाला जो व्यक्ति होगा उसको छोड़ कर इसके ऊपर आप 200 kg तक अप कर सकते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं लेग रूम काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें डिलीवरी पर्पज से भी आप काम गाड़ी चला सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर अपना सामान रखिए और इसको लेके जा सकते हैं, 200 kg तक आप इसमें सामान रख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सीट देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है, और आपको जैसे मैंने बताया कि 200 kg तक इस पर आप रख सकते हैं आफ्टर राइडर, राइडर के बाद इसमें 200 kg तक वेट उठा सकते हैं। बाकी आप इसका बैक लुक भी देख सकते हैं, बैक लुक भी काफ़ी अच्छा है, आप इसमें स्टाइलिश आपको मिल जाती है। और बाकी आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन कलर की आपको नंबर प्लेट मिल जाती है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको ये नंबर प्लेट पर नंबर मिल जाएगा ना? जी सर। ओके, तो रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगता है? सर मे बी 15 डेज, वर्किंग 15 डेज। 15 डेज जी। ओके, 15 डेज में वो गाड़ी ले जा सकते हैं? जी सर। ओके, तो दोस्तों इसमें आपको अच्छी खासी पॉल्यूशन फ्री आपको गाड़ी मिल जाएगी,
वैसे भी पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा हो रखा है, और आपको ये बढ़िया रहेगा और ये फॉर द फ्यूचर बहुत बढ़िया गाड़ी है, और आपको डिलीवरी पर्पज़ चाहिए या आपको राइडिंग के लिए चाहिए, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, 150 किलोमीटर तक आपकी माइलेज प्रोवाइड कर रही है। अब हम बात करते हैं, सीधा चलते हैं दोस्तों डिजिटल मीटर की तरफ। इसमें आप देख सकते हैं आपको इसमें डिजिटल मीटर मिल जाता है, और आप चालू करेंगे होम पर जी? बिल्कुल सर, आप देख सकते हैं इसके अंदर, इसके में आपको 3 मोड मिल जाते हैं। ओके, एक इको मिल जाता है। ओके, इको पे जब आप रेस करेंगे इसको, इको यहाँ पे दोस्तों जी सर, ये इको मोड है। अब जब इको पे इसको स्पीड वो एक्सलेटर देंगे तो ये 35 जाएगा, 35 और जब स्पोर्ट मोड पे करेंगे तो ये 50 और 56 जाएगा सर। ओके, जैसे अगर आपको ओवरटेकिंग करनी है तो ओवरटेकिंग के पर्पज से टर्बो मोड होता है इसके अंदर। ओके, जब आप इसको टर्बो मोड पे करेंगे, ये देखिए इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये 72 पे जाएगा सर। ठीक है, ओके। प्लस सर आपको ये ट्रिप मीटर मिल जाता है, जैसे कहीं कितनी बार होता है ना कि सब आदमी जाते हैं कि मेरे को डिस्टेंस स्टार्टिंग से कवर करना है, तो सर ये आपको ट्रिप मीटर दिखाता है कि एक बार में आप ट्रिप कितना गए हैं। प्लस सर ये आपका किलोमीटर शो करता है। ओके, बैटरी इंडिकेट करता है। प्लस ये आपको जो जो मोड है वो इंडिकेट करता है सर। ओके, एक पे रहेगा तो सर इको, सेकंड पे रहेगा तो स्पोर्ट्स, और थर्ड पे रहेगा तो सर टर्बो सर। ओके, दोनों साइड सर आपको हॉर्न मिल जाते हैं इसके अंदर, लाइट्स वगैरह मिल जाती है सर आपको। प्लस सर इसके जो ब्रेक हैं वो एडजस्टेबल है। सपोज जैसे लॉन्ग राइडर है जिसकी हाइट ज़्यादा है, वो सर एडजस्टेबल कर सकता है इन ब्रेकों को यहाँ से। जी सर, ये एडजस्टेबल ब्रेक हैं इसके, दोनों साइड मिल जाते हैं आपको। प्लस सर ये की से भी ऑपरेट होती है, प्लस सर रिमोट से भी ऑपरेट होती है सर। तो बिना की के चालू करके दिखाइए आप। जी बिल्कुल, ओके, आप देख सकते हैं रिमोट से भी ऑपरेट होती है। ओके, प्लस सर इसमें सेंसर मिल जाता है, इनके जैसे आप स्कूटी वगैरह खड़ी करते हैं, गली में बच्चे वगैरह होते हैं, कोई भी इनकेस इसको टच करता है तो ये साउंड है, साउंड करेगी आपको, जैसे कार ये आपको इंडिकेट करेगी, जस्ट लाइक कार में होता है ना। हाँ, सेम फीचर है सर इसका। ओके, और ये ऑफ पीसी से होगी? जी सर, रिमोट से ही ऑफ हो जाएगी। ओके, और इसमें जैसे बहुत सारे स्कूटीज में एंटी थीफ लॉक होता है, इसमें है? जी है, इसमें भी है। ओके, अच्छा तो चक्का जाम हो जाएगा? जी, व्हील इसके जाम हो जाएंगे। यस, तो उसको देख सकते हैं आप, इसके व्हील जाम हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें एंटी थीफ लॉक आपको मिल जाते हैं। आपको इसमें क्या होगा कि अगर आप एंटी थीफ लॉक ऑन कर देते हैं तो आपके एक तो पहली बात बैक टायर जिसके अंदर मोटर लगे हुए हैं वो चीज़ बिल्कुल जाम हो जाएगी, और बिना मोटर के तो गाड़ी चलेगी नहीं। अगर कोई भी बंदा इसको गाड़ी चोरी करना चाहता है और वो चाहता है कि वो एंटी थीफ लॉक को हटाए तो उसके लिए टायर हटाना पड़ेगा, और टायर हट गया तो दोस्तों गाड़ी चलेगी ही नहीं क्योंकि मोटर ही निकल जाएगा इसमें से। और सर एक फीचर इसमें आपको और मिलता है, ये स्कूटी सर बैक में भी रिवर्स में भी जाती है। रिवर्स में? जी, रिवर्स का फंक्शन आप बताइए। जी सर, जैसे आप सर मैं आपको रिवर्स दिखा देता हूँ, जैसे सर आपको रिवर्स लेना हो आप रिवर्स लेंगे ना तो सर देखिए ये 3 या 4 मोड पे सर स्लो चलती है, राउंडिंग होती है, आप देख रहे हैं इसके व्हील्स बैक हो रहे हैं। हाँ। जी सर, ये तो इसमें कोई बटन दबाना नहीं पड़ता? नहीं सर, बटन नहीं दबाना, इजीली आप हल्का पीछा करेंगे। हाँ। तो सर ये इजीली जाएगा 3 की स्पीड में पीछे होने लगे हल्का हल्का, 3 to 4 सर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारे स्कूटीज़ में होता है तो उसमें बटन आपको प्रेस करके रखना पड़ता था तभी रिवर्स होती थी, लेकिन इसमें क्या है कि आप पीछे आप हल्का सा करेंगे तो गाड़ी अपने आप ही बैक में चलने लग जाएगी, और 3 to 4 की आपको स्पीड मिल जाती है इसके अंदर जिसके कारण आप रिवर्स कर सकते हैं। जैसे किसी गड्ढे में आपका टायर चला गया, आप हल्का सा पीछे करेंगे तो उसमें शायद से आपकी मोटर जो आपकी हेल्प कर देगी उस गड्ढे से बाहर निकलने में, या किसी कोई जगह है जहाँ पर आपको पीछे करना है तो उसमें, या आपने डिलीवरी पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा महंग मतलब हैवी सामान रखा हुआ और आप पीछे नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें भी आपकी मोटर आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि 1000 वाट की मोटर इसमें लगी है, काफ़ी पावरफुल मोटर है, तो इसमें आपको अच्छा फीचर मिल जाता है और बहुत बढ़िया है। एंटी थीफ लॉक भी अच्छा खासा है, उसमें भी आपको सायरन के साथ आपके टायर बिल्कुल जाम हो जाएंगे और चलेगी नहीं, रन नहीं करेगी। बाकी आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी स्पेस है गिवन जहाँ पर आप अपने सामान रख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना फ़ोन रख सकते हैं और यहाँ पर अपना चार्ज लगा सकते हैं, प्लस बॉटल वगैरह भी कैरी कर सकते हैं आप। जी जी, प्लस हेलमेट के लिए भी स्टैंड बना रखा है जी। ओके, तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको इसके सारे फीचर बता दिए ओकिनावा के, आपको एक बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश लुक में स्कूटी मिल जाएगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम प्राइस की, जिसके लिए आप पूरी वीडियो देख रहे हैं, तो ओम प्रकाश जी प्राइस बताइए। सर इसका प्राइस है 1,05,990, 1,05,990 रुपये मात्र दोस्तों इसमें आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। दिवाली का सेशन चल रहा है और आपको परचेस करना होगा तो आप ये कर सकते हैं, ओकिनावा की गाड़ी बहुत ही बढ़िया होती है और इलेक्ट्रिक में इन्होंने अभी लॉन्च की है तो बहुत ही बढ़िया है। आपको सारे फीचर हमने अभी तक बता दिए हैं, आप यहाँ पर एक बार खुद आइए टेस्ट ड्राइव लीजिए
उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग परचेस कीजिए। हमारा काम तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना जो आपने पहुँचा दिया है, बाकी आपकी खुद की थिंकिंग है कि आपको परचेस करना है कि नहीं करना। वैसे गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है। इसमें एक और फीचर है जो हमें बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं, मतलब बहुत सारे बंदों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैप्स याद नहीं होते या फ़ोन में चेक करना पड़ता है। तो फ़ोन में चेक करने में प्रॉब्लम क्या होती है कि एक हाथ से या गाड़ी चलाने वक्त उनको प्रॉब्लम हो जाए, तो उसमें आपको फंक्शन मिल जाता है कि इसमें मिलता है ना नेविगेशन का। जी सर, इसमें एक एडवांस फीचर आपको मिलता है जब भी आप स्कूटी परचेस करेंगे, इसके साथ एक ऐप इंस्टॉल होगा, वो आई प्रेस प्लस का वो ऐप होता है। उसमें सर जैसे समटाइम क्या है, आप रोड पर चलते हैं तो सर आप नेविगेशन बार बार फ़ोन में देखते हैं तो आप काफ़ी हो नहीं पाता सर। तो ये हमारी कंपनी ने इस स्कूटी के अंदर GPS इसको किया है। आप जैसे मान लो सपोज आपको अदचिनी से सर छतरपुर जाना है तो सर ये यहाँ पर क्या है, कनेक्ट हो जाएगा इससे और ये इजीली सर आपको इंडिकेट करेगा कि सर आप छतरपुर जा रहे हैं, 3 किलोमीटर से आप स्ट्रेट जाइए, लेफ्ट जाइए, 300 मीटर से आप टर्न ले सकते हैं। इस पे शो करेगा जी, इस पे आपको शो अप करेगा कि आपको कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से लेफ्ट लेना है सर। तो ये कैसे कनेक्ट कैसे होगा ये? सर कनेक्ट होता है सर फ़ोन से, जो ऐप होता है सर उससे। ऐप का सर एक और फ़ायदा है, आप इसके स्कूटी के सर सारे फीचर्स आपको नोटिफिकेशन देता है। मतलब इनके जैसे आपकी बैटरी कम हो गई तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि सर आप अपनी बैटरी चार्ज कर लीजिए। स्कूटी में सर कोई ख़राबी होती है तो सारे फंक्शन उसकी नोटिफिकेशन दे रहा है कि ये पार्ट्स आप रिपेयर करा लीजिए। तो इस फीचर्स का ये फ़ायदा है। मतलब जैसे कि मान लो मैंने ऐप को फ़ोन में डाउनलोड किया जी और आपने सेटिंग कर दी और फिर उसके मुझे डाटा केबल से कनेक्ट करना होगा? नहीं नहीं सर, वो ऐसे हो जाएगा भाई उससे। हाँ जी सर, मतलब ये अपने अभी ऑटो कनेक्ट हो जाएगा जी सर, उसका नेविगेशन सब कुछ चालू हो जी सर बिल्कुल। ओके, तो दोस्तों बेस्ट फीचर है, आपको इसमें काफ़ी अच्छा फीचर मिल जा रहा है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है जैसे कि नेविगेशन फ़ोन में देखना पड़ता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसमें आपकी स्क्रीन पर ही शो हो जाएगा, आप अपना आराम से राइड कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने इसके बारे में आपको सारे फीचर्स के बारे में बता दिया, अभी हम दूसरे मॉडल पर चलते हैं जो टॉप स्पीड में है। आइए मूव करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने इससे पहले आपको हाई स्पीड की एक स्कूटी दिखा चुके हैं, अब दूसरी आपके सामने आ चुकी है, ब्लू कलर में डैशिंग लुक स्टाइलिश फीचर्स के साथ आपके सामने खड़ी है ओकिनावा की सेकेंड स्कूटी। आइए पूछते हैं इसके बारे में, क्या नाम है इसका? सर इसका नाम है प्रेस प्रो। प्रेस प्रो, और इससे पहले जो आपने दिखाई थी सर वो है आई प्रेस प्लस। और दोनों में डिफरेंस क्या है? सर दोनों में सिर्फ किलोमीटर का डिफरेंस है, वो आप एक बार चार्ज करेंगे 4 से 5 घंटे तो सर वो 150 किलोमीटर चलेगी, और ये सर 2 से 3 घंटे आप चार्ज करेंगे तो 88 किलोमीटर चलेगी। ओके, तो माइलेज कम हो जाती है? जी सर। ओके, तो दोस्तों इसमें माइलेज आपको थोड़ी कम मिलेगी, बाकी इसमें सारे फीचर्स आपको ऑलमोस्ट उसके ही हैं। अगर हम सबसे पहले फ्रंट की बात करें लाइटिंग की, तो लाइटिंग चालू करके दिखाएंगे ओम प्रकाश जी सर। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं लाइटिंग एग्जैक्ट बिल्कुल वही है जैसे हमने पिछली वाली आपको दिखाई थी, लुक भी एग्जैक्ट सेम ही है। और इसमें लेकिन आपका एक फीचर और मिल जाता है कि जैसे हमने इससे पहले आपको जो दिखाई थी उसके अंदर आपको सिर्फ कलर एक ही मिलेगा, लेकिन इसमें आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। कौन कौन से कलर्स मिल जाएंगे? सर अभी कलर्स इसके काफ़ी हैं, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है सर वो स्पार्की ब्लू है, स्पार्की ब्लैक है और ब्लैक एंड रेड एंड ब्लैक है। ओके, तो दोस्तों स्पार्की ब्लू, स्पार्की ब्लैक और एक और है हमारे पास रेड एंड ब्लैक कलर की, 3 कलर अवेलेबल हैं अभी इस टाइम पे। बाकी इसमें अलग अलग कलर तरह की आपको कलर मिल जाएंगे। और अभी हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो सारे फीचर इसमें एंटी लॉक है इसमें? जी एंटी लॉक जी सर है सर। और इसमें जैसे मैं ये देख रहा हूँ इसमें ये क्या चीज़ है? सर ये बोर्ड बना रखा है काफ़ी, इसको कवरेज एरिया ताकि बड़ा है। नहीं ये चीज़ इसको सर ये कवर कर रखा है, नीचे जो इसके पार्ट्स है ना उसको कवर कर रखा है। ओके जी, तो इसमें लेग रूक में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में आपको। तो जिसके टायर से वो सेम है? सर सेम टायर है। और इसमें जो डिस्क ब्रेक दोनों में? आगे भी सर दोनों में डिस्क मिल जाती है, इसमें भी आपको अलॉय व्हील मिल जाती है। और इसमें मोटर कितने वॉट की है? सर 1000 वॉट की मोटर है। सेम मोटर जी सर। और बैटरी? 72 वॉल्ट की सर बैटरी है। लिथियम बैटरी है? जी सर लिथियम बैटरी है और सर डी अटैचेबल इसके अंदर भी आपको बैटरी मिल जाती है। ओके, तो दोस्तों ऑलमोस्ट फीचर इसके सारे के सारे सेम हैं, बस एक चीज़ को छोड़ के, वो है आपके माइलेज। माइलेज ये आपको 88 तक की देगी और जबकि वो जो है वो आपको 150 तक की देगी। तो ये कितना वेट कैरी कर सकती है? सर ये 200 kg राइडर को छोड़ के जी। ओके, 200 kg। और इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है? जी सर रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसे अगर मान लो कोई लाइसेंस वाइसेंस यूज़ करना है, मतलब लाइसेंस है इसके वही परचेज कर सकते हैं? जी सर जिसके पास लाइसेंस है वही परचेज कर सकते हैं ये सारे? जी सर। ओके, तो दोस्तों ये लाइसेंस जैसे मैं पूछना चाहूँगा इसमें जो शोकर है जी, शोकर के बारे में बताएंगे? जैसे बबल शोकर होता है और डिफरेंट टाइप के शोकर्स होते हैं, उसमें बताएंगे?
सर इसके बबल शोकर हैं और काफ़ी बढ़िया है सर, सस्पेंशन इसका काफ़ी शोकर का बहुत बढ़िया है सर। ओके बबल शोकर है दोस्तों, इसमें आपको अच्छी खासी शोकर मिल जाते हैं और बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। इससे पहले हमने आपको सारे फीचर आपको दिखा चुके हैं, फिर भी आपको सारे फ़ीचर एक बार बता दिए हमने, ऑलमोस्ट सारे फ़ीचर सेम है। आपको लेनी है तो आइए पूछते हैं इसका। देखो माइलेज कम है तो प्राइस भी कुछ कम होना चाहिए जी सर। सर ये जो आपको एक्स शोरूम पड़ जाएगी 79,845। अच्छा मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि बहुत सारे बंदे होते हैं जी, वो ये क्वेश्चन करते हैं कि इसका वेट कितना है, क्योंकि जैसे हैवी गाड़ियाँ होती है ना जी, तो वुमेंस हो गए या बच्चे हो गए वो नहीं चला पाते जी, तो इसका वेट ज़्यादा तो नहीं ताकि प्रॉब्लम ना हो। 112 kg। ओके तो दोस्तों ज़्यादा वेट नहीं है इसका। अगर आपको लग रहा है कि जैसे बहुत सारे ऐसे गाड़ियाँ होती हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, एक तरफ झुकने की वजह से वो गाड़ियाँ गिर जाती है, फिर उसको उठाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गाड़ी आप आराम से चला सकते हैं, ईजिली है। और इसमें मेन सबसे बड़ी बात ये होती है कि मोडिंग है, तो मोडिंग में आपकी लो स्पीड रहेगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बच्चा कोई बच्चा भी चला रहे हैं तो उसमें वैसे तो बच्चों को चलाना अलाउ नहीं है इसके लिए, फिर भी अगर इनकेस बच्चा या वुमेन चला रही हैं तो वो लो मोड में भी चला सकते हैं, हाई मोड में भी चला सकते हैं, टर्बो मोड में इसमें अवेलेबल है, सारी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। प्राइस इसका 79,845 है। और बाकी इसमें भी आप ये एक्स शोरूम प्राइस है, और इसमें भी सब्सिडी मिल जाएगी? नहीं सर, ये हम आपको सब्सिडी लेस करके ही बता रहे हैं। आफ्टर सब्सिडी है ना, मतलब मिल तो जाएगी सब्सिडी? जी सर। ओके तो आफ्टर सब्सिडी का प्राइस, आप सब्सिडी इसका प्राइस ये है। बाकी आइए, ये तो हमने बात कर ली हाई स्पीड की, अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत लो स्पीड की, जो लो स्पीड में आपको गाड़ी मिलने वाली है उसके बारे में बात करते हैं, तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं लो स्पीड की, जो कि बनी है बच्चों के लिए और जो लो स्पीड चाहते हैं उनके लिए, या बिना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन इन सब के बिना कोई गाड़ी चाहते हैं। तो हमारे सामने आ चुकी है ओकिनावा लाइट, और बहुत ही डैशिंग लुक में है, आपको लगेगा कि आप फ्यूचर व्हीकल चला रहे हैं, बिल्कुल लुक आप देखेंगे तो रोबोटिक लुक आपके सामने खड़ा ही है, बहुत ही कमाल का। आप जैसे देख सकते हो लाइट बहुत ही तगड़ी है, यहाँ पे आप लाइट को कंट्रोल्स भी कर सकते हैं, ये देखिए बंद हो चुकी है, अगर आप एक बार क्लिक करते हैं देन इस पर ये चलती है, एंड देन आगे करते हैं तो आपकी अच्छी खासी बीम हो जाती है और आपकी ब्राइटनेस अच्छी खासी मिल जाएगी आपको, और बहुत ही बढ़िया है लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रोबोटिक लुक है, कमाल लग रहा है। बाकी इंडिकेटर्स देखते हैं एक बार, ओम प्रकाश जी इंडिकेटर बताइए। बिल्कुल सर देखिए, ओके इंडिकेटर्स भी आपको दोस्तों बहुत ही तगड़े मिल जाते हैं, मोस्टली इंडिकेटर्स यहाँ पे होते हैं लेकिन आपको इंडिकेटर्स यहाँ मिल रहे हैं। और इसमें एक और फीचर है आपके, जब आप पार्किंग मोड पे लगाते हैं तो आपके चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं, आप चालू करके देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने पार्किंग में लगा दी तो ये आपके चारों ऑन रहेंगी, आप देख सकते हैं बैक में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है इसका, आप देखेंगे साइड में भी इसमें पावर का चेंज है, पावर का चेंज है साइड में, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक लगता है रात को नाइट के अंदर भी बिल्कुल। ओके अब दोस्तों लाइटिंग जो है ना वो किसी भी चीज़ को, गाड़ी को हो या चाहे किसी भी चीज़ को, काफ़ी अट्रैक्टिव बना देती है, और इसमें इसी चीज़ के ऊपर मेन काम किया गया है। और सबसे बेस्ट फीचर जो दोस्तों इसका लगा कि इसमें आपको की लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारी गाड़ियाँ होती है जैसे आपको इलेक्ट्रिक अभी हमने दिखाई है, तो उसमें की लगाओ या ना लगाओ दोनों ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें क्या आपको की लगानी ही नहीं है, की का ऑप्शन ही नहीं है, देख सकते दोस्तों आपको है ही नहीं ऑप्शन, आपको सीधा ओम प्रकाश जी ऑन ऑफ करके दिखाएंगे जी बिल्कुल। इसमें पार्किंग मोड मिल जाता है आपको, जैसे आप इजीली यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं और इजीली यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, जैसे रेड लाइट्स वगैरह में होता है ना कभी कभार कि आप रेड लाइट हो गई है, 1-2 मिनट बंदा रुका हुआ है, तो ईजिली आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं, प्लस आपको इसके अंदर रिमोट सेंसर सिस्टम मिल जाता है, आप इसको यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं रिमोट से भी जी। तो इसे ऑफ करके दिखाएंगे? बिल्कुल, ये ऑफ हो गया और ये आपका ऑन हो गया रिमोट से। ओके और दोस्तों एक और चीज़ है इसमें फीचर अच्छी खासी, जैसे कि आप इसे ऑफ करते हैं, ऑफ करेंगे दोस्तों, इसको ऑफ करने के बाद अगर आप हैंडल को जस्ट ऐसे घुमा देते हैं देन आपकी गाड़ी लॉक हो जाती है ऑटोमेटिकली, आपकी गाड़ी जो है वो लॉक हो जाएगी, आपको ना ही इसमें कोई लॉक करने की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे बंदे होते हैं कभी कभार, बहुत बहुत बार होता है जिन्होंने व्हीकल्स यूज़ किए कि हम लोग गाड़ी को लॉक कर देते हैं, लेकिन थोड़ी आगे बढ़ने के बाद हमें लगता है कि हमने गाड़ी को लॉक किया है या नहीं किया है, बहुत बंदे भूल जाते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें आप जस्ट गाड़ी के हैंडल को मूव करेंगे एंड देन आपका लॉक लग गया, 2-3 सेकंड के अंदर ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। ओके
बाकी हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स में आपके आगे जो है वो आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, हाँ फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएगा आपको, हाँ जी, प्लस अलॉय व्हील भी मिलता है आपको। अलॉय व्हील भी मिलता है। तो इसमें टायर्स कितने इंच के? ये 3x10 के जी। और इसमें बैक में डिस्क नहीं है? बैक में डिस्क नहीं है। तो मोटर कितने की है? मोटर इसमें 250 वाट की है। 250 वाट की जी। तो दोस्तों इसमें मोटर जो आपको 250 वाट की मिल जाती है, और फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाएगा, और इसमें भी बैटरी आपको डी अटैचेबल मिलती है। डी अटैचेबल देख सकते हैं? बिल्कुल सर। उसके लिए आपको की यहाँ से ऑपरेट करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब इसमें सिर्फ की इसलिए दी गई है ताकि डिक्की ओपन हो सके जी। और कभी भी अगर आप बैटरी आप डी अटैचेबल करते हैं, तो जब भी आप बैटरी डी अटैचेबल करेंगे किसी भी मॉडल की या लाइट की भी, आपको ये ऑफ करना पड़ता है ताकि स्पार्क ना हो जाए। ठीक है जी। ये इसकी एक्सेसरीज वगैरह है, चार्जर, इसमें टूल किट भी मिल जाती है आपको। आप इसको इजीली यहाँ से डी अटैचेबल कर सकते हैं। ये अटैचेबल डी अटैचेबल होगी, इजीली आप इसको यहाँ से निकाल के चार्ज कर सकते हैं कैरी करके ले आके। चार्ज होने में कितना टाइम लेगी? सर ये 4 से 5 घंटे का टाइम लेती है। 4 से 5 घंटे का? जी सर। ओके। और ये चलती 60 किलोमीटर एक बार फुल चार्जिंग पे, 4 से 5 घंटे चार्ज होगी और ये 60 किलोमीटर चलती है। तो जैसे इसमें मैंने एक क्वेश्चन था मेरा कि पिछली वाली हमने जो हाई स्पीड की गाड़ियाँ थी वो 1000 वाट की थी जी, तो कितना यूनिट उठाती है? सर ये 1 से 1.5 यूनिट उठाती है आपका। 1 से 1.5 यूनिट जी चार्ज होने में? जी सर। फुल्ली चार्ज ये 1 से 1.5 यूनिट उठाती है। और पहली वाली सर वो भी सेम यूनिट उठाती है? सेम जी सर। उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके। और बाकी दोस्तों इसमें आपको आफ्टर बैटरी काफ़ी स्पेस मिल जाती है, आप देख सकते हैं स्पेस इसमें अच्छी खासी मिलेगी आपको। आप इजीली अगर लेडीज हेलमेट होता है ना नॉर्मली, वो आप यहाँ कैरी कर सकते हैं छोटा वाला जी। ओके। और बाकी अभी अटैच नहीं है बैटरी? ये अटैच है, अभी ये अटैच है, आप उसको वहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं, प्लस डी अटैचेबल है। ये केबल आपको उठाना है, ये लॉक खोलना है और यहाँ से आपके डी अटैचेबल बैटरी हो जाएगी। ओके जी। और दोस्तों अगर आपको बैटरी को लगे लगे में चार्ज करना है, बैटरी स्कूटी के साथ लगी रहे, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। आपकी यहाँ पे आगे की तरफ यहाँ पे आपकी चार्जिंग पॉइंट दिया है जी। जी ओके। और दोस्तों लैग रूम में भी काफ़ी स्पेस है इसमें। इसका एडवांस फीचर एक ये है कि ये भी इतना लाइट होने के बाद ये भी 200 kg राइडर को छोड़ के लिफ्ट कर सकता है ये। ओके जी। और यहाँ पर आप हैंड बैग टांग सकते हैं दोस्तों जी, ये इजीली ओपन हो जाता है और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक में दिया है। अदर मॉडल्स में क्या है ये थोड़ा देखने में वो होता है, लेकिन इसको लुक वाइज बहुत शानदार बनाया है इसको। इजीली आप यहाँ से करके जब तक आपको काम हो आप कीजिए, उसके बाद छोड़ के सेपरेट दिख रहे हैं। यहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज लगा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर है इसमें। बाकी हम डिजिटल मीटर की तरफ चलते हैं। आ चुके हम दोस्तों डिजिटल मीटर के ऊपर, अभी हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रही है ये चीज़ है बैटरी के, कि आपकी बैटरी कितनी है। 50% फुल ये आपको इंडिकेट करता है कि जैसे ये तीन दे रखा है 0, 50 और 100। अभी एक्चुअली जो इसकी बैटरी है चार्ज है वो 50% है। ओके। अगर 100% होगी तो ये पूरा ग्रीन दिखाएगा आपको। ओके। और 0 हो जाएगी तो रेड ब्लिंक करेगा आपको। ये कितने माइलेज कितना दे देगी? सर ये 60 किलोमीटर चलेगी एक बार। 60 किलोमीटर जी। ओके। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी किलोमीटर जितनी स्पीड में चलेगी उतना दिखाई देगा जैसे। तो दोस्तों जैसे कि हमने इसके कुछ सारे फीचर बता दिए हैं, काफ़ी अच्छे फीचर थे इसके, और गाड़ी स्टाइलिश लुक के अंदर रेड कलर के अंदर अवेल। इसमें आपको मतलब डिफरेंट कलर भी मिल जाएंगे? जी सर मिल जाएंगे आपको, व्हाइट मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, ब्लू मिल जाएगा, और भी कलर अवेलेबल है हमारे पास। ओके। तो इसमें दोस्तों आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएंगे। इसका नाम है ऑप्टिमा लाइट। तो आइए सबसे मेन बात पूछ लेते हैं इसकी कि इसका प्राइस कितना है। सर ये आपको जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 66,993 रुपीस। ओके जी। 66,993 जी। 66,993 में दोस्तों ये गाड़ी आपको मिल जाएगी, और गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि मैंने मोटर बताया था इसका 250 वाट का है, और चार्ज ये कितने में 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाती है। 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाती है। प्राइस बहुत बढ़िया। और दोस्तों ये सबसे डिमांडेबल बाइक अभी इस टाइम पर चल रही है ऑप्टिमा की, तो जल्दी से जल्दी परचेज करिए। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे रखा है, फ़ोन नंबर स्क्रीन पर शो रखा है, अगर कोई डिटेल पूछनी है तो जल्दी से जल्दी पूछिए। और अगर आप 11 से 7 तक कॉल कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना मैसेज ड्रॉप करिए, क्योंकि 11 to 7
वर्किंग टाइम है और उसके बाद आप खुद भी परेशान होंगे और कंपनी वालों को भी परेशान करेंगे। इससे सही 11 to 7 आप कॉल करिए, बाकी व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको सारे रिप्लाई किए जाएंगे। ये आपको मिल जाएगी अच्छी खासी रिजनेबल प्राइस पे। आइए आगे वाले पे चलते हैं। आगे आपके सामने एक और गाड़ी आ चुकी है ओकिनावा की, जो कि बेसिकली बनी ही इसलिए है ताकि आप डिलीवरी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सके। बहुत ही बढ़िया गाड़ी होती है ये। इन सब में मान के चलिए कि डिलीवरी पर्पज़ के लिए अगर आपको गाड़ी लेनी है तो ये सबसे बेस्ट है। और इसमें आपको देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेग रूम मिल जाता है जिसमें आप अपना सामान आराम से रख सकते हैं। 2 पर्सन के लिए बनी है, 2 कोई भी 2 बंदा बैठ सकता है इसके अंदर। बाकी पूछते हैं हम ओम प्रकाश जी से। सर ये मॉडल है ड्यूअल 28 जी सर, आप इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, प्लस ये पिक उससे लोडिंग पर्पज़ से बनाई गई है। इसमें सर जब तक आपको बैटरी यूज़ करें, बाकी लोडिंग पर्पज़ जब आपको करना है तो एक्सेसरीज आती है, जैसे आप LPG सिलेंडर हो गया, आप अलग से एक्सेसरीज स्टैंड वगैरह लगा के ईजिली आप कैरी कर सकते हैं। जैसे LPG सिलेंडर हो गया आपका, पानी की बॉटल्स वगैरह होगी, प्लस यहाँ पर आपकी बास्केट लग जाती है। बास्केट जी, यहाँ बास्केट लग जाती है, इजीली आप सामान करके कैरी कर सकते हैं। इसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी टॉप स्पीड है 25 जी। प्लस इसके अंदर आपको सेंसर मिल जाता है जो स्टैंड में होता है नॉर्मली। अदर स्कूटरों में ये कंप्लेंट होती है कि उसमें सेंसर नहीं मिलता है, इसके अंदर सेंसर मिल जाता है। समटाइम क्या होता है कि आदमी स्टैंड लगाना भूल जाता है, तो इसमें आप इजीली जब तक आप स्टैंड ऊपर नहीं होगा तब तक बाकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी आपकी। ओके, तो अभी जैसे हम इसकी लाइट की बात करते हैं तो लाइट ज़्यादा प्रोवाइड करेगी? जी बिल्कुल। चालू करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल। अब देखिए मैं लाइट दिखा देता हूँ उसकी आपको। और इसके इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स देखिए दोस्तों, इसमें आपको हाई बीम लो बीम दोनों मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स अच्छे हैं, आपको इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाते हैं, बाकी यहाँ पे आपकी बास्केट लग जाएगी। और इसमें टायर कितने इंचेस के होते हैं? ये 3x10 के जी, जैसे पहले वाले में थे जी सर। और ये भी ट्यूबलेस है? ट्यूबलेस टायर है, प्लस आगे डिस्क मिल जाती है आपको। अच्छा, मतलब जितने भी गाड़ी दिखाई सारे ट्यूबलेस है? सारे ट्यूबलेस टायर है। ओके, और दोस्तों आगे इसमें आपको डिस्क ब्रेक, मतलब पीछे में भी डिस्क ब्रेक है? नहीं, पीछे में भी डिस्क ब्रेक नहीं है, पीछे क्या है, आगे अलॉय व्हील मिल जाती है, पीछे नॉर्मल टायर मिलता है। ओके, तो इसमें जो मोटर लगा हुआ कितने वाट का? वो 250 वाट है। 250 जी, 250 वाट का मोटर लगा है दोस्तों, और काफ़ी अच्छी खासी। तो मतलब इसमें जो भी गाड़ी चलाएगा उसको 25 तक की स्पीड मिलेगी जी। तो ये बैटरी से चल रही है, तो बैटरी कितनी देर में चार्ज जाएगी? ये इसका प्लस पॉइंट ये है मॉडल में कि 80% जो बैटरी है वो 1 घंटे में चार्ज हो जाती है। 1 घंटे में जी। और प्लस ये 80% चार्ज होने के बाद ये जब फुल चार्ज हो जाएगी आपकी, तो ये 150 किलोमीटर चलती है एक बार में। 150 जी। और अगर 80 पे कितने चलेगी? 80 पे अराउंड आपकी चल जाएगी 90 चल जाएगी, 90-100 प्लस चल जाएगी। ओके, तो दोस्तों जैसे कि अभी इन द इमरजेंसी अगर आप कहीं पे गए हैं, कहीं दूर गए हैं और वहाँ पे आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो आप 80% इसके 1 घंटे में चार्ज करके आपको जहाँ तक पहुँचना है वहाँ पे रीच करिए, उसके बाद अपनी फुल चार्ज कर सकते हैं। और 90 किलोमीटर 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा, मतलब कि मान के चलो 80% आपकी 1 घंटे में चार्ज हो जा रही है, तो इसके आपके सेव हो जाएगा टाइम और आप अपना इंस्टेंट कोई भी काम कर सकते हैं। बाकी बेसिकली ये डिलीवरी पर्पज़ के लिए बना है, तो मतलब ये रोडों पे दौड़ती रहेगी हमेशा, क्योंकि काम ही के का मतलब वर्क पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया है। बाकी हम बात करते हैं कि बैटरी लगती कहाँ पे है। बैटरी यहाँ पर लगती है। ये लिथियम बैटरी है इसकी। हाँ जी, 48 वोल्ट की, 48 वोल्ट की। हाँ, ये भी डी अटैचेबल बैटरी है इसकी। पहले भी कभी भी अगर जैसे आप बैटरी निकालते हैं, इसका स्विच है MCV स्विच, इसको ऐसे ऑफ करना पड़ता है। ठीक है जी, ये डी अटैचेबल बैटरी है और ये बहुत लाइट बैटरी है। ओके, कितने वो किलो की होगी? ये 2 से 3 किलो की बैटरी है। अच्छा, जो हमने हैवी वाली देखी थी उसमें कितने किलो की बैटरी होगी? उसमें मे बी 7 से 11 किलो होगी। 7 से 10 मान लेते हैं जी। 7 से 10 ठीक है। तो दोस्तों बैटरी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है, आप अगर इसको डी अटैच करके अपने किसी भी रूम में ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हो, वहाँ पे चार्ज कर लीजिए आराम से। बाकी ये बैटरी जो वो बहुत ज़्यादा है हैवी नहीं है और ठीक है बैटरी। बाकी हम बात करते हैं इसके अदर फीचर्स के बारे में, चलते हैं इसके डिजिटल मीटर की तरफ। आइए, तो दोस्तों आइए हम आ चुके हैं डिजिटल मीटर के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको परसेंटेज शो कर रहा है कितने परसेंटेज चार्ज है ये। बाकी यहाँ पर आपकी पार्किंग में लगी हुई है, अभी देखिए जैसे पी लिखा हुआ है तो पार्किंग में लगी हुई है, जब तक आप पी वाला बटन नहीं दबाते तब तक ये मोड हटेगा नहीं। जैसे मैंने इसको हटाया तो ये आपकी देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर की स्पीड शो होने लग गई है यहाँ पे, और आप इसको रेस देते हैं तो ये आपकी स्पीड चलनी शुरू हो जाएगी।
तो 25 तक की स्पीड दोस्तों इसमें आपको मिलेगी और काफ़ी बढ़िया है गाड़ी। और USB पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए आपको, प्लस यहाँ बोतल वगैरह कैरी कर सकते हैं आप इजीली। बेसिकली तो यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए होगा ना जी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज लगा के बंदा फ़ोन रख लेगा जी। और यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पे हैंड बैग टांग सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी ये कीलेस है या की के साथ इसको भी चलाना, मतलब बिना की के चल जाएगी? नहीं, वी ए चलती है, की के साथ भी चलती है, विदाउट की भी चलती है। इसमें रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें, तो इसमें एंटी थिफ्ट लॉक है। हाँ, इसके अंदर भी है जी। ओके, तो दोस्तों इसमें भी आपको एंटी थिफ्ट लॉक मिल जाता है। गाड़ी बहुत प्यारी है और आपको बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी एक चीज़ ये भी है इसमें, जैसे आप इसको बंद कर देते हैं तो इसको दबाने पे ही खुलता है, ऐसे खुल जाता है, ऐसे खुल जाता है जी। जो हमने इससे पीछे वाली स्कूटी देखी थी उसमें दोस्तों आपको ऐसा मिल जाता है। देखिए, जैसे ये वाली स्कूटी हमने देखी थी, इसमें आपको इसे दबाना पड़ेगा, ये आपकी खुल जाएगी और फिर उसके बाद आपको इसको सीधा ऐसे बंद कर देना है। बाकी इसमें ये चीज़ नहीं है इसके अंदर, लेकिन बाकी इसमें 48 वोल्ट की बैटरी है ना जी। ओके, और कैरी कितना कर लेगी बैटरी है? ये 200 kg+ 200 kg+ जी। ओके, बाकी दोस्तों इसमें सारे फीचर्स ऑलमोस्ट बता दिए, तो आइए बात करते हैं प्राइस की। सर ये पड़ जाएगा आपको 61,998 एक्स शोरूम प्राइस जी। ओके, और इसमें तो सब्सिडी अवेलेबल नहीं होगी? नहीं, लाइट जो स्लो पे नहीं है सर हमारा। ओके, स्लो स्पीड पे नहीं है। हाँ ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको लो स्पीड है तो इसमें आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी इसमें प्राइस ज़्यादा नहीं है, अच्छी खासी कंडीशन में आपको मिल जाएगी। बाकी हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे कि यहाँ पे फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अभी हमारे पास एक मॉडल और बाकी है जिसके हमारे को पता करना है, तो आइए चलते हैं उसकी तरफ। तो दोस्तों आपके सामने एक और इलेक्ट्रिक स्कूटी आ चुकी है, देख सकते हो ओकिनावा की R30 रेड कलर के अंदर शाइन करते हुए बिल्कुल जेन्युइन लुक में आपके सामने खड़ी है। हम सबसे पहले फ्रंट की बात करते हैं, फ्रंट में ओम प्रकाश जी चालू करके दिखाएंगे। तो दोस्तों लाइट अच्छी खासी है इसमें, आपको अच्छी खासी ब्राइटनेस मिल जाती है और लो बीम हाई बीम कर सकते हैं ना? बिल्कुल, इंडिकेटर से इसके राइट साइड पे। हाँ जी, ये लो बीम और हाई बीम कर सकते हैं, ये डीपर वगैरह हैं इसके। हाँ जी, और ये लेफ्ट राइट के इंडिकेटर्स हैं इसके। हॉर्न आपको दोनों साइड मिल जाएंगे। ओके, इसमें भी ईगो स्पोर्ट मिलता है, इसकी टॉप स्पीड 25 है। 25 जी, 25। और दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा लेग रूम है, और इसके अगर मोटर की बात करें 250, सर इसे 250 मोटर इसका वो है, 250 वाट का मोटर आपको दोस्तों इसमें मिल जाएगा। बैटरी कितने वाट की है सर? ये 48। इसके डिक्की खोल सकते हैं? बिल्कुल। तो और यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, जैसे हाफ हेलमेट होता है ना, लेडीज हेलमेट, आप वो भी कैरी कर सकते हैं। ये बैटरी है इसकी, लिथियम बैटरी है इसकी और डी अटैचेबल बैटरी है इसकी। ओके जी, और सेम एमसीबी नहीं है? एमसीबी यहाँ पर है। ओके, ये हिडन कर रखी है इसको। अच्छा, लुक वाइज स्टार्ट तो का ताकि वो थोड़ा अच्छा लगता है। डी अटैचेबल बैटरी है दोस्तों, और बाकी बैटरी के बाद भी आपके पास काफ़ी स्पेस हो जाता है। आप इसमें चार्जर रख सकते हैं, अपना हेलमेट रख सकते हैं छोटा मोटा, और सीट इसकी कंफर्ट है, आप देख सकते हैं बाकी के मुकाबले सीट काफ़ी बड़ी है इसकी। और इसमें हम चलते हैं डिजिटल मीटर पे, ये आपको बैटरी इंडिकेट कर रहा है, इसमें ट्रिप मीटर भी है आपका, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 25 है, ये देखिए आप। ये ट्रिप मीटर आपको मिल जाता है इजीली, क्या है कभी कभी आदमी को किलोमीटर क्या है काउंट करना पड़ा जी, तो ये आपको इजीली यहाँ से काउंट कर सकते हैं, ये किलोमीटर मिल जाता है टोटल आपको। तो इसमें जो बैटरी वो कितनी देर में चार्ज हो जाएगी? ये आपकी 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाएगी और 60 किलोमीटर चलेगी एक बार चार्ज। 60 किलोमीटर जी, 60 किलोमीटर का माइलेज दे देगी। अब बाकी यहाँ पर दोस्तों आपको बकेट मिल जाता है, किसको खोल के दिखाएंगे? ये अलमीरा टाइप की आपको मिल जाती है यहाँ पे, आप इजीली यहाँ पेपर वगैरह कैरी कर सकते हैं। अच्छा, ओके, तो दोस्तों वैसे तो इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है? नहीं, पेपर लाइसेंस की तो कोई जरूरत नहीं है इसमें। बिल्कुल, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड है वो 25 है, इसलिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और इसमें जैसे साइड स्टैंड का फंक्शन जो आपने बताया तो वो है अवेलेबल? नहीं, ये एक्चुअली क्या है, नॉर्मल बिल्कुल सिंपल बना रखी है, इसमें डिश वगैरह भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सिंपल पर्पज से बना रखी है। एक्चुअली क्या है, सम कस्टमर डिमांड करते हैं सर कि हमें विदाउट डिश चाहिए, तो उस पर्पज से हमने बनाई है इसको। तो सर जो टायर्स हैं वो कितने इंच से? ये 3x10 के हैं। सेम ही है, मतलब बिल्कुल सेम है, ट्यूबलेस टायर है। ट्यूबलेस टायर है और सेम है। तो दोस्तों नॉर्मल है ये स्कूटी, बस इलेक्ट्रिक है, आपके पेट्रोल को सेव करेगी, जो कि आज के टाइम पे 106 रुपये के अराउंड चल रहा है। और बाकी दोस्तों ये कितने की मिलेगी ये पूछ लेते हैं। सर ये आपको जो एक्स शोरूम प्राइस पड़ जाएगा वो 61,998 का पड़ेगा। 61,998 रुपये का जी। ओके, और इसमें कोई सब्सिडी तो अवेलेबल नहीं होगी? नहीं सर, क्योंकि ये स्लो स्पीड है, इस पर सब्सिडी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ अगर रह गया हमारे से, मिस हो गया, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर गिवन है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगा। बाकी ओम प्रकाश जी आपको इस शोरूम में जरूर मिलेंगे। तो आपको दोस्तों जैसे कि आप यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद है, कि वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो लाइक करें। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं फाइनेंस की, ओम प्रकाश जी आपको बताने वाले कि फाइनेंस
कितना देना पड़ेगा फाइनेंस दिल्ली वालों के लिए अवेलेबल है क्या, बाकी के लिए भी अवेलेबल है? तो ओम प्रकाश जी, जैसे कोई भी बंदा स्कूटी खरीदता है जी, तो वो कितनी डाउन पेमेंट करेगी आपकी? जैसे हाई स्पीड है तो इसका जो एच शोरूम प्राइस है वो 1,05,490 है, तो वो 30,000 रुपये दे के करा सकता है, फाइनेंस करवा सकता है। यार लो स्पीड में? और लो स्पीड में सर, लो स्पीड में ऐसा कोई नहीं है अभी फिलहाल हमारा, अगर कुछ ऐसा होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। मतलब लो स्पीड में फाइनेंस नहीं है? फाइनेंस नहीं है। ओके, तो दोस्तों 30,000 की डाउन पेमेंट करके आप हाई स्पीड की गाड़ी ले जा सकते हैं। बाकी हम पूछ रहे थे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट्स लगेगा एक पैन कार्ड आपका, आधार कार्ड, अगर आपको सब्सिडी लेनी तो आधार कार्ड से नंबर आपका अपडेट होना चाहिए। ओके, प्लस एक आपको दो सब्सिडी मिलती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की और एक स्टेट गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिलेगी तो उसके अंदर जब आपका आधार कार्ड लिंक होगा वो तो आपको हाथ के हाथ हम लेस करके दे देंगे। एक स्टेट गवर्नमेंट की होती है, उसके लिए हमें आपका एक कैंसिल चेक भी चाहिए, प्लस दो अल्टरनेट नंबर भी चाहिए आपके। तो ये जो आपने फाइनेंस की फैसिलिटी बताई है वो दिल्ली दिल्ली के लिए, बाहर के लिए भी है? नहीं, दिल्ली वालों के लिए भी, अगर बाहर से कोई अगर परचेस करना चाहता है तो उसको हम सब्सिडी नहीं दे सकते। सब्सिडी अवेलेबल नहीं है और फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, मतलब जैसे डाउन पेमेंट दिल्ली वाला दे के 30,000 दे के ले जा सकता है जी, तो यूपी वाला भी 30,000 दे के ले जा सकता है? नहीं, उसको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब कितना? मे बी उसका 70%। ओके, तो दोस्तों आप लोगों के लिए है, आप अगर यूपी है या दिल्ली के अदर स्टेट में रहते हैं तो आपको 70% पे करना पड़ेगा, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको 30% पे करना पड़ेगा। आप डाउन पेमेंट करके ले जा सकते हैं, 30,000 की डाउन पेमेंट है, और आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तक गुड बाय। तो दोस्तों अभी हम आपको उन बंदों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने ओकिनावा के लाइट स्कूटर ख़रीदा है, और अंकल जी हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है? महेंद्र यादव। महेंद्र यादव, हाँ। ओके, ये आपने कब खरीदा था? ये हमें चार पाँच दिन पहले। ओके, तो दोस्तों इन्होंने 4-5 दिन पहले खरीदा था, और कैसा लगा? ठीक लग रहा है, बैठने में कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल। जैसे अंकल की थोड़ी मतलब हमारे फादर के एज की हैं तो सीट कंफर्ट चाहिए होती है, तो उनके हिसाब से सही है? सही है। ओके, तो इसमें जैसे आपने चलाई स्कूटर तो लगा कुछ अलग एक्सपीरियंस? हाँ, एक्सपीरियंस ठीक है। ओके, और बैटरी इसमें जैसे बोलते हैं कि ओम प्रकाश जी ने हमें बताया कि बैटरी जो है वो अच्छी खासी चल जाती है। चली है? चली है, मतलब एक बार चार्ज करने के बाद अच्छी खासी चल जाती है। कितनी देर चल जाते हैं आप? कितनी बार मतलब कब चार्ज करते हैं उसको? रात में चार्ज करते हैं। पूरा दिन चलाते हो? हाँ, पूरा दिन तो नहीं चला पाता लेकिन चलाते हैं। ओके, टायर वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं? अभी तक कोई सर्विसिंग करवाने की जरूरत पड़ी नहीं? कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ी नहीं। और ये आपको पेट्रोल वाली स्कूटी से अच्छी लगी? हाँ, उससे अच्छा लगा। आवाज के बिना है, और आपके घर में आपके बच्चे भी होंगे, उन्होंने भी चलाया होगा? हाँ, चलाया। तो कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा ना, ठीक। ओके, बाकी इसमें जैसे इन्होंने बताया था हमारे को एक साइड स्टैंड होता है, अगर उसको लगा के रखो तो ये गाड़ी नहीं चलती है। आपने यूज़ किया इसको? नहीं, अभी यूज़ नहीं किया। ओके, तो दोस्तों वैसे तो इनमें भी अभी अंकल थोड़ा जिस अकॉर्डिंग स्कूटी है उस अकॉर्डिंग उन्होंने 4-5 दिन में काफ़ी यूज़ किया है और अच्छे खासा इनको लगा है, और बाकी बच्चे भी चला सकते हैं क्योंकि जैसे अंकल ने बताया कि इनके जो बच्चे हैं उन्होंने भी चलाया है और अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इनको। बाकी पेट्रोल से तो बहुत बढ़िया लगी इनको गाड़ी, है ना? हाँ। ओके, इसमें सामान वामान लोड किया था आपने कभी? और सामान को 10 किलो सामान रख के ले आया था। 10 किलो सामान कभी मतलब लोड किया है? 10 किलो, हाँ, सब सामान पेंटिंग कर ले आया था, बाल्टी वाल्टी। और इसमें आपने मतलब 2-3 बंदे बैठे हैं, कितने बंदे? दो बंदे बैठ के देखे हैं, चलती है, सही चलती है? चलती है। ओके, दो बंदों ने बैठे हैं इसमें, सही चल रही है, और गाड़ी की इतनी हाइट नहीं है कि कोई भी बच्चा और बुज़ुर्ग या वुमेंस इसको आराम से रन कर सकती है। थैंक यू अंकल अपने बारे में बताने के लिए। थैंक यू। ओके।